मियां साहब ने हमेशा गेम खेला, आज भी खेल रहे हैं। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ के इल्जामात पर रद्दअमल, नवाज शरीफ पर दोगले बयानात देने का इल्जाम लगाया, फाटा इस्लाहात का क्रेडिट भी अपने नाम किया। नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा देख रहा हूं, शेख रशीद की आज न्यूज के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में पेशगोई। कौमी कमीशन के कयाम से मुतालिक सवाल पर मियां साहब का जहनी तवाजुन खराब करार दे दिया, कहते हैं जो शख्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता वो कौमी कमीशन का फैसला कैसे तस्लीम करेगा। नवाज शरीफ को सजा होने वाली है, वो अपने करतूतों से तवज्जो हटाने के लिए बयानात दे रहे हैं। पीटीआई के शफकत महमूद की आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू, सेनेटर वसीम सज्जाद की मियां साहब को सजा से मुतालिक बयानबाजी से गुरेज, कहते हैं नवाज शरीफ की सजा का फैसला अदालत पर छोड़ देना चाहिए। नून लीग ने जाते जाते सरकारी मुलाजमीन को नवाज दिया, वजीर आजम का तमाम विफाकी मुलाजमीन को बोनस देने का ऐलान, बजट मंजूरी के दौरान खिदमत दीगर को 3 माह की बुनियादी तनख्वाह एजाजी तौर पर दी जाएगी, आइंदा साल से एजाजिए को पॉलिसी का मुसलसल हिस्सा बनाने का भी इंदिया दे दिया।